देखिए हमारी बेतिया सी कुकी का पराठा तैयार हो चुका है, दोनों तरफ से पक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी। ये देखें, मकई का आटा हमने ले लिया है 2 से 3 रोटियों का। उसके अलावा से हम डालेंगे नमक और इसके अलावा ऑयल चाहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पराठ ले ली थी, इसमें हम ये आटा डाल लेते हैं सारा, और हसबे ज़रूरत इसमें आप नमक डाल लें। पानी हमने ले लिया था, अब इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। नाश्ते में बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए देखिए, आटे को हमने गूंद लिया है, अब इसमें से हम एक रोटी का हम बनाते हैं। के लिए हमने ये एक कपड़ा ले लिया था जिसके ऊपर के हम इसको बनाएंगे। तवा हमने चूल्हे पे रख दिया है, उसको फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं ताकि जब तक ये गर्म हो जाए इतनी देर में हम रोटी को इस पर बना लेंगे। फिर रोटी ज़रा बनानी मुश्किल होती है, इसको हम कपड़े के ऊपर करते हैं। हमने इसके ऊपर कपड़े के ऊपर प्रेस किया था। ये रोटी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, चिपकती भी नहीं है। इसको ऐसे आप आराम से उठाएंगे, ये देखें यूँ हट जाएगी इसके ऊपर से। अब इसको हम फ्लेम को हमने ऑन कर लिया था, इसके ऊपर अब तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि नीचे चिपके ना। अब इसके ऊपर हम इस रोटी को डाल देंगे आराम से ताकि टूटे ना, और इसको हमने हल्की आँच पर पकाना है क्योंकि तेज़ आंच पे जब ये इसको पकाया जाए तो ये फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। बहुत ही मज़े की होती है, सुबह नाश्ते में बहुत पसंद की जाती है। अब हम इसको देखते हैं पलटा के, एक साइड से दूसरी साइड से, ये इसको हल्की आंच पे पकाना पड़ता है। देखिए हमारी बेतिया सी कुकी का पराठा तैयार हो चुका है, दोनों तरफ से पक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।